हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग से जुड़ी बड़ी खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, मानसून समाचार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के एक दो दिनों में प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई संभागों में अच्छी बारिश की संभावना है। सितम्बर माह के पहले सप्ताह में मानसून सक्रिय होने से बारिश के दौर चलेंगे। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल में लगने वाले क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में के दौरान एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 29 व 30 अगस्त को उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश से मध्यम दर्जे की बारिश की होने की संभावना है। 31 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग सहित ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि बारिश का यह दौर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में भी सक्रिय बना रहेगा। अभी अनुकूल परिस्थितियां हैं। वही बात पश्चिम राजस्थान के करें तो बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 1 से 4 सितंबर के दौरान मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बताई गई हैं। शनिवार देर रात शाम से जयपुर में काले बादल आसमान में छाने लगे, इससे शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। रविवार को भी जयपुर में मौसम सुहाना रहा, सुबह से ही बौछारें गिरने लगी हैं। इससे छुट्टी का दिन होने से लोग आसपास के पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए निकल पड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज़ नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।